तो जो यूरोपियंस आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंड करना शुरू किया, और जो इंडिया की प्रिंसिपैलिटीज थी, जो किंगडम्स थी, उनको कैप्चर किया। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी प्रिंसिपैलिटी को, कौन कौन सी किंगडम को कैसे कैप्चर किया, कौन कौन सी बेसिकली वो बैटल्स थी, वॉर थी, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सामने जो मेजर पावर्स थी वो कौन सी थी, तो सबसे पहले उसके ऊपर नजर डालते हैं कि जब इंडिया में, मैंने आपको बताया, जब भी कोई बड़ी एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई तो छोटी छोटी किंगडम्स हमेशा नजर आएंगी। तो यहां भी वही हुआ कि जब मुगल्स थे, उन्होंने भी पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए वो अपने कंट्रोल में लिया। तो उसके बाद कुछ यहाँ पे पावर्स इमर्ज हुई जब उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, जो मुगल्स के होते हुए शुरू हो चुकी थी, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। जो यहाँ के गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि जो किंग था, जो सेंटर था, वो वीक है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड, हमने डिस्कस किया था मुगल्स में कुछ रिवोल्ट हुए थे। जब रिवोल्ट होंगे तो वो लोग किंग के अगेंस्ट होंगे, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट होंगे। तो वहां से भी इसके ये रिजल्ट हुआ कि जो राजपूत थे उसकी पॉलिसी में इंटरफेयर किया था, उनके इंटरनल अफेयर्स में, तो उन्होंने अपने आप को अलग निकाल लिया, तो वो अलग स्टेट्स निकले राजपूत की। जाट से, जो पीजेंट्स थे बेसिकली, वो अगेंस्ट हो गए थे, तो पीजेंट्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि जाट्स ने, तो भरतपुर स्टेट निकली थी। पंजाब में ये प्रॉब्लम आई थी, पंजाब में उन्होंने रिवोल्ट किया, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और पंजाब की एक अलग स्टेट सामने आई। तो कितनी सारी, उसी तरह मराठास। तो हम देखते हैं कि एक तरफ अवध, थोड़ा सा ड्रॉ कर ले, ज्यादा इजी रहेगा, समझना इजी रहेगा। कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा इंडिया का मैप बनाते हैं, थोड़ा सा रफ सा ऐसे बना सकते हैं। उसके अलावा सारा जो एरिया था पहले, इवन ये सारा एरिया मुगल्स के अंडर हुआ करता था। तो जहां से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, तो बंगाल इसने अपना अलग निकाल लिया। जो बंगाल का गवर्नर था मुर्शिद कुली खान, उसने अपनी टेरिटरी अलग निकाल ली। ये सारा बंगाल का एरिया मिला लीजिए, ये सारा बंगाल है। उस तरह जो ये टेरिटरी थी, ये अवध का जो था सादत अली खान, उसने अपना अलग कर लिया। इस तरह यहां पे था, यहाँ हैदराबाद और निजाम, निजाम ने अलग कर लिया। 1724 की बात है, उसका नाम था चिनकुलिज खान, उसने भी अपनी अलग किंगडम बनाई। उसी तरह ये जो एरिया था, यहाँ पे जाट्स थे, यहाँ भरतपुर सामने आया, और इधर दिल्ली तो है ही है। उसी तरह जो यहाँ पे था वो हमें पंजाब नजर आया, उन्होंने अलग, इधर राजपूताना राजपूत थे, उन्होंने अपना अलग स्टैब्लिश किया। यहाँ पे कुछ अलग थे पुराने एरियाज, जो कर्नाटिक के एरियाज थे, और इधर जो ये मराठास ने कंट्रोल किया, जितना ये जगह रह गई ये मराठास के पास थी। तो हम दोबारा देखने की, उस तरह ये बड़ी एम्पायर टूटी है, तो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज, छोटी छोटी किंगडम्स सामने आ रही हैं। अब ब्रिटिशर्स ने इनको किया कैप्चर। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया, तो क्या वो प्री प्लान था, या सिर्फ एक एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि ट्रेड करने आए थे, बट कह लीजिए लक था उनका कि उनको कैप्चर उनसे हो गया। जो हिस्टोरियंस, उनके दो व्यू हैं। एक व्यू तो कहता है कि वो यहां पर प्री प्लान तरीके से आए थे, कि उन जो अगर उसको एनालाइज करें चीजों को, सब नजर आता है कि उन्होंने पहले अपने कंपटीटर को हटाया, फिर वन बाय वन जो पॉलिसीज थी वो इसलिए थी कि उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया इंडिया को, और फाइनली हम देखते हैं कि उन्होंने इंडिया को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, और जो इंडिया की पॉलिसीज थी उनकी, वो भी सारी एक्सप्लॉयटेटिव थी, सिर्फ अपने पर्पस के लिए थी। जो दूसरे स्कॉलर्स हैं वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और थ्योरी का जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे तो वो सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए आए थे। ट्रेड पर्पस के लिए आए, और
कब आए यहां पे? हमने देखा 1608 में आए। 1608 में यार जो फर्स्ट उन्होंने कैप्चर किया है किसी भी फर्स्ट स्टेट को, वो था 1757 और 1764 कह लीजिए फाइनल। 1757 ये वो जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, मोनोपोली उन्होंने की, पर 1760 वो बैटल ऑफ बक्सर जब बंगाल को पूरा अपने अंडर ले लिया उन्होंने और नवाब को हटा दिया गया कि सिर्फ टाइटुलर हेड बिठा दिया, कंट्रोल उनके अपने हाथ में था। अब करीब 150 साल का पीरियड है, तो अगर प्लान्ड होता 150 साल कोई वेट ना करता। यहां पे वो ट्रेडर थे तो रिजल्ट निकलता कि एक्सीडेंटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि उनको कैप्चर करना पड़ा। वो क्या थे कि एक ट्रेडर को क्या चाहिए? सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए। ट्रेड वो तभी कर पाएगा। दूसरा चाहिए ट्रेड की उसको मोनोपोली चाहिए, अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो। दो चीजें ये इंपॉर्टेंट हैं। अगर उसके कंपटीटर होंगे तो वो उसको डिफिकल्टीज आएंगी, सरवाइव करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले उनका काम था वो था अपने कंपटीटर्स को निकालना। वो कौन थे? जो दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी, चाहे वो डच थे, चाहे वो डेनिश थे, चाहे वो फ्रेंच थे, चाहे वो पोर्चुगीज थे। और ग्रेजुअली उन्होंने यही हमने देखा कि ये आगे भी देखेंगे कि वन बाय वन वो सारे कंपटीटर्स बाहर निकलते गए, चाहे उन्होंने निकाले या खुद उससे पहले जा चुके थे। सेकंड सिक्योरिटी, कि जब यहां पे आए थे तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहां मुगल्स का रूल हुआ करता था, मुगल्स के अंडर यहां से लेके सारा इंडिया, यानी कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिशर्स मुगल्स के अंडर था। जब मुगल्स का था यानी कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन था, एक एक बात। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी कोई ज्यादा, तो इसलिए वो पीसफुली ट्रेड कर किया करते थे। अब यहां पे आपको मैप पे नजर आ रही है, यहां पे अवध है, ये मराठास के अंडर है, ये बंगाल का नवाब है, निजाम है, राजपूताना पंजाब, जाट्स और ये कर्नाटक, इतनी सारी किंगडम्स बन चुकी हैं। तो अब अगर इनको ट्रेड करना, तो दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी सिक्योरिटी की, कि अगर ये यहां से माल लेकर यहां तक जाते हैं तो दो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, या तो डाकू लूट लेते हैं या फिर कि रॉबरी हो रही है, या फिर इनको टैक्सेस देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, कि जितने किंगडम से निकल के जाएंगे वहां पे उतने किंगडम से अलग अलग किंग्स इनसे टैक्स लेंगे, तो ये इनके लिए मुसीबत बन रहा था। तीसरी चीज जो थी वो ये था कि जब वो इनके साथ लड़ाइयां करते हैं अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जब इनको ये चाहिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपनी एक मिलिशिया रखनी शुरू की, आर्मी भी कह लीजिए बट मिलिशिया यानी कि कुछ गार्ड्स रखने शुरू किए, ताकि वो इनके ट्रेड की प्रोटेक्शन कर सकें, जहां पे इनका माल जाए साथ में कुछ गार्ड्स जाएं। और जब ये लोकलाइट्स इनको तंग करें तो इनको वो भी था कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी फाइनेंस की, कि इनको अपना ट्रेड भी फाइनेंस करना है, कि जो ट्रेड में माल खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए वो, क्योंकि ये यूरोप से पैसा लाते थे तो यूरोप में इनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो चुकी थी कि ये कंपनी जाती है यूरोप जाती है और वही इंडिया जाती है वही ट्रेड करती है, बाकी कंपनी भी तो हैं। उसके अलावा कि उन्होंने देखा कि वहां से भी ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था यूरोप से, कि वहां का पैसा इंडिया में आता था, क्योंकि यहां से ले जाने के लिए सामान तो था बट लाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए पैसा इंडिया में आता था पर जाता नहीं था। तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि पैसा कहां से लाए। दूसरा, जो लड़ाइयां लड़नी थी उसमें पैसा चाहिए, कि फाइनेंस दो जगह के लिए चाहिए, ट्रेड के लिए और दूसरा वॉर के लिए। तो उसके लिए ओपियम ट्रेड किया करते थे, चाइना के साथ स्मगलिंग किया करते थे पैसा जुटाने के लिए। बाद में ये चीज इन्होंने कहा कि जब इनको नजर आने लगा वीकनेसेस जो इंडियन किंगडम थी, इंडियन प्रिंसेस थे उनके कोर्ट में, इनको लगा कि यहां पे वीकनेसेस हैं, इन्होंने उसका फायदा उठाया और वन बाय वन इनको अपने अंडर लिया। सबसे पहले बंगाल को इसलिए लिया गया क्योंकि एक तो वीकनेसेस थी, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, और सबसे बड़ी बात बंगाल सबसे प्रॉस्परस स्टेट था, और वो इनके पास आते ही कंपनी और ब्रिटिशर्स ये प्रॉस्परस होना शुरू हो गए। बंगाल इतना रिच था कि इनके जितना ट्रेड था, जितनी वॉर थी, सारी फंडिंग बंगाल अकेला कर सकता था, इतना रिच था बंगाल। तो शुरू हुआ एक ट्रेडर के तौर पे, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते गए, हालात ऐसे बनते, कह लीजिए मजबूरी में इनको इंडिया कैप्चर करना पड़ा। जब एक किया
तो प्रोटेक्शन के लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इनकी पॉलिसी चेंज हो चुकी थी, अब इंपीरियलिज्म की तरफ आ चुके थे ये, अनेक्सेशन शुरू कर दिया इन्होंने, और फाइनली हम देखते हैं इन्होंने इंडिया का काफी एरिया कॉन्कर किया, क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब ये काफी एरिया कैप्चर कर चुके थे, उससे आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि रिवोल्ट के बाद इन्होंने अपनी पॉलिसी जो थी अनेक्सेशन की और एरियाज को कैप्चर करने की वो छोड़ दी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमने डिस्कस की सारी स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट कब और कैसे कैप्चर की, और सबसे पहले जो इनके कंप्यूटर थे, मोनोपोली लाने के लिए कंप्यूटर को रिमूव करना जरूरी था, उनको कैसे हटाया इन्होंने, चलिए एक नजर उस पर डालते हैं। जो हमने देखा कि यहां पे आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए, एक नजर मार लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्रिंसिपल, इनके फाउंडर क्या थे। बंगाल हमने देखा 1713 में मुर्शिद कुली खान ने इसको बसाया था, यानी कि अलग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया 1713 में, और 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन की गई उसके साथ, और वो भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। मराठा कन्फेडरेसी ये बाजीराव वन ने शुरू किया 1720, ये मैं बात कर रहा हूँ जब शिवाजी की डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर थे शाहूजी महाराज वगैरह, उसके बाद जो उसका प्राइम मिनिस्टर था उसने कंट्रोल अपने हाथ में संभाला है, तो वो कह सकते हैं बाजीराव बालाजी विश्वनाथ के बाद वो आया बाजीराव वन, तो उसने शुरू किया। और 1801 में सब्सिडी अलायंस साइन किया उन्होंने, अपने कुछ चीजें थी सरेंडर की, तो वहां से वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर फाइनली चले गए थे, अदरवाइज 1817-1818 में उनको कैप्चर किया गया फाइनली। और कर्नाटक सादतुल्ला खान ने बसाया 1720 में सब्सिडी अलायंस से, ये कैप्चर हुआ। उसके बाद इसी तरह हैदराबाद, सबसे पहले अगर किसने सब्सिडी अलायंस साइन किया तो हैदराबाद ने, ये क्वेश्चन आ जाता है 1798 में। चिनकुलिज खान इसका फाउंडर है 1724 में इसने किया था। अवध की बात करें सादत खान 1722, और ये भी सब्सिडी अलायंस इसने साइन किया 1801 में, बट 1856 में इसको मिस गवर्नमेंट के बेस पे इसको कैप्चर कर लिया गया था। इस तरह मैसूर हैदर अली ने बसाया 1761, नॉट पर्टिकुलर बट जो डिफेक्टो रूलर था, अदरवाइज यहाँ की जो डायनेस्टी थी वही थी जो विजयनगर हमने पढ़ा था, उसके जो फर्दर टूट के उसमें से अलग अलग एरियाज निकले थे, उनमें से एक था वोडियार डायनेस्टी, और वोडियार का एक सिपाही हुआ करता बाद में वो मिलिट्री जनरल बना, और फाइनली डिफेक्टो रूलर बना वो, और इसलिए हम कहते हैं कि मैसूर का जो रहा वो हैदर अली। और 1799 टीपू की डेथ के बाद जो यहाँ का राजा था उसे उन्होंने एक अलायंस साइन किया सब्सिडी अलायंस, और मैसूर भी उनके अंडर चला गया। फाइनली पंजाब रणजीत सिंह की डेथ के बाद बनाया गया 1792 में, रणजीत सिंह 1839 में उसकी डेथ हो चुकी है, उसके डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर थे वीक थे और माइनर थे, इसलिए वहां पे ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर शुरू किया, और दो वॉर्स हुई फर्स्ट और सेकेंड वॉर, और सभी में ब्रिटिशर्स ने पंजाबी जो सिख थे उनको हराया और फाइनली इसको कैप्चर किया। और जो बाद के एरिया थे उनकी अपनी पॉलिसी थी, चाहे सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी है लड़ाई के अलावा, और दूसरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उससे कैप्चर किया। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले कर्नाटक वॉर्स, ये मैं बात करना जो कंपटीटर्स थे उनके अपने फ्रेंच कंपनी जो थी उसको कैसे हटाया, तीन वॉर्स हुई है उनकी उनसे। कर्नाटक वॉर्स, कर्नाटक हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं जो साउथ में था उस टाइम, और सादतुल्ला खान जो इसका फाउंडर है और उसकी कैपिटल अर्कॉट हुआ करती थी। तो शुरुआत कहां से होती है, जो लड़ाई थी इनकी ब्रिटिशर्स की, पॉलिटिकल कंडीशन से यूरोप में थी, क्योंकि जो फर्स्ट वॉर है उसका रिजल्ट था यूरोप की जो वॉर है वो यहां तक फैल गई, सेकंड था इंडियन सिनेरियो, और थर्ड अगेन वही कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी यूरोप में वो यहां तक फैल गई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट कर्नाटक वॉर की बात करें, आपको थोड़ा सा ईयर ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का 1746 से 48 तक फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई है। यहां पे दो चीजें थी, अनवरुद्दीन और चंदा साहब ये क्लेम करते थे थ्रोन को कि कौन गद्दी पे बैठेगा, एक को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने और दूसरे को सपोर्ट किया फ्रेंच ने। तो यहां से जो लड़ाई शुरू हुई है इसमें ये लोग जीत गए थे कैप्टन पैराडाइज के अंडर, बैटल ऑफ सेंट थोम हुई थी अडयार नगर के, जिसमें जो अनवरुद्दीन था उसको हरा दिया गया, बट फाइनल ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल साइन हुई जिससे जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था वो खत्म हुआ और साथ में ये लड़ाई खत्म हो गई। तो यहां पे आपको ये याद रखना है, ये जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है कब हुई है, सेकेंडली जो इसमें ट्रीटी साइन हुई है ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल 1748 जिससे ये वॉर खत्म हुई है। जो सेकेंड वॉर थी
वो शुरू हुई जब यहाँ पे डुप्लिक्स आया था। डुप्लिक्स ने हैदराबाद में जो मुजफ्फर जंग था और कर्नाटक में चंदा साहब, उनके साथ अलायंस बनाया कि शुरू में तो वो लोग हारे हैं जो ब्रिटिशर्स थे, बट बाद में सरकमस्टेंसेस चेंज हुए, जो डुप्लिक्स था वो चेंज हो गया और गौधियों एक नया गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर, उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। उसने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, और जो इन्होंने एरियाज कैप्चर किए थे फ्रेंच ने जब ब्रिटिशर्स को हराया शुरू में, वो उसने उनको रिस्टोर कर दिए, और इस तरह ये भी खत्म होगी। और जो थर्ड है, ये शुरू हुई कि जब, इसका रीजन भी वही है यूरोपियंस का, कि यूरोप में वॉर शुरू हुई थी, यहां तक फैल गई। काउंट डी लाली जो फ्रेंच ऑफिसर था, उसने फोर्ट डेविड जो मद्रास में, उसको कैप्चर कर लिया था, और वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक जगह वेंडी वॉश, उसमें फ्रेंच को हराया, और वो उनकी फाइनल बैटल है। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी पेरिस में यूरोपियंस के बीच में, जो दोनों कंट्रीज हैं, क्योंकि रिजल्ट वहीं से था इसका, वहां पे बैटल शुरू हुई है, वॉर वहां पे शुरू हुई, तो जी यहां तक फैल गई है, और वहां पे ट्रीटी साइन हुई यूरोप में, तो यहां पे भी बंद होगी। 1760 में ट्रीटी ऑफ 63, ट्रीटी ऑफ पेरिस, इसको याद रखिएगा। और ट्रीटी ऑफ पेरिस से जो थर्ड वॉर है 1758 से 63 तक चली है, वो खत्म हो गई है। तो इस तरह जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने अपने पैर जमाए, अपने कंप्यूटर्स को खत्म किया। अब उनके सामने थे जो इंडियन किंगडम्स, उनमें सबसे पहले उन्होंने कैप्चर किया बंगाल को, तो बंगाल की बात करेंगे। जब बंगाल को कैप्चर किया गया, उस वक्त सबसे पहले जो बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई है, तो उस वक्त सिराजुद्दौला हुआ करता था। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का ग्रैंडसन था, पर जब वो गद्दी पे आया तो उसका जो सक्सेशन था, या उसकी कह लीजिए जो नवाबशिप है, उसकी नवाबी डिस्प्यूट में आ गई। जो घसीटी बेगम ने उसको चैलेंज किया, वो उसके अगेंस्ट थी कि वो गद्दी पर क्यों बैठा है। तो दूसरी तरफ जो डिफरेंसेस थे, वहां से शुरू हुए कि जो ब्रिटिशर्स थे और नवाब, उनके बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हुए। उनके कुछ रीजन थे। सबसे पहले था जो दस्तक था, उसका मिसयूज करते थे। दस्तक क्या था? दस्तक एक परमिट हुआ करता था उनको फ्री ट्रेड के लिए, जिसके पास कि ब्रिटिशर्स के पास दस्तक होता था, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट मिसयूज क्या था इसका, कि ब्रिटिशर्स को तो टैक्स देना नहीं होता था, और ना ही वो दस्तक दिखाते थे, बल्कि वो अपना जो दस्तक यानी कि जो पास था, वो लोकल ट्रेडर्स को बेच दिया करते। जिसके पास वो पास होगा, उसको टैक्स नहीं देना। अब ना तो ब्रिटिशर्स टैक्स देते थे, ना वो लोकल ट्रेडर्स। तो यहां पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस वजह से, तो यहां से डिफरेंस अराइज होने शुरू हुए नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में। दूसरा, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उसके सामान पे हैवी टैक्स लगाते थे। उसके अलावा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सपोर्ट में आके घसीटी बेगम की, तो और फाइनल जो मेन था कि ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोटेक्शन के लिए जो उनकी सेटलमेंट थी फोर्ट विलियम, उसकी चार दीवारी करनी शुरू कर दी, जिससे नाराज जो नवाब था वो नाराज हो गए सिराजुद्दौला, क्योंकि उसको लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स की एक चाल है, वो ऑफेंसिव होना चाहते हैं, डिफेंसिव तो इनका बहाना है कि अपने डिफेंस बना के, अपने आप को स्ट्रांग करके वो अटैक करेंगे नवाब पे। तो ये सबसे बड़ा रीजन बना, और उसने ऑर्डर किया कि उसकी जो फोर्टिफिकेशन है या चार दीवारी जो बाउंड्री की जा रही थी, वो रोक दी जाए। वहां से उसने अटैक किया उनपे, और जो उनकी फैक्ट्री थी कासिम मजार पे, उसको कैप्चर किया। और उसके बाद जो फोर्ट विलियम है, उनको सरेंडर करना पड़ा। 1756 जून में उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब ये न्यूज जब ब्रिटिशर्स के पास पहुंचे, तो उन्होंने अपना ऑफिसर भेजा, और वो था रॉबर्ट क्लाइव। अगर ध्यान से देखिए, 56 की बात मैं कर रहा हूँ, ये वो पीरियड है जब कर्नाटिक वॉर भी साथ साथ हो रही है। तो कर्नाटिक वॉर में रॉबर्ट क्लाइव था लड़ने के लिए, बट उसको यहां पे आना पड़ा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो यहां पे लड़ पाता। तो क्वाइट ऑब्वियस कंस्पिरेसीज थी जो यहां पे उसने की, ब्राइब्स दी लोगों को, और एक नाम की बैटल हुई जो बैटल ऑफ प्लासी है, वो सिर्फ नाम मात्र की बैटल है, वो असली में तो बैटल थी ही नहीं, एक झड़प थी छोटी सी जो दिखाने के लिए बैटल थी। जब ये यहां पे आया, उसने कैलकटा रिकवर किया, और एक साइन की ट्रीटी जिसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहते हैं, एक्चुअली अलीनगर कुछ नहीं है, जब कैलकटा को कैप्चर किया था नवाब सिराजुद्दौला ने,
तो उसने इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था। और ब्रिटिशर्स जब वो क्लाइव को भेजा गया यहाँ पे, तो उसने दोबारा अंदर डील किया उनके साथ जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे, और ट्रीटी साइन की, ट्रीटी अलीनगर, और जहाँ पे फिर जो सिराजुद्दौला, उसने उनकी बातें जो सारी उनको डिमांड्स मान ली गई। अब यहां से एक चीज शुरू हुई कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक चीज की, उन्होंने कंस्पिरेटर्स को ढूंढा इंडिया में, कि जो बंगाल के नवाब हैं या बंगाल के जो कंस्पिरेटर जो नवाब के अगेंस्ट हैं, उनको उन्होंने देखा, जगत सेठ वगैरह, उनको तीन चार ऑफिसर मिले, उनके साथ मिलके उन्होंने कंस्पिरेसी की कि नवाब को हटा के जो नवाब बनना चाहता है उसको नवाब बनाया उन्होंने। और रीजन क्या था कि जब सिराजुद्दौला ने कैलकाटा पे अटैक कर उसको कैप्चर किया था, तो एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। वो क्या थी कि जब जून का महीना था, बेसिकली जो हमने देखा जून में उसने अटैक किया, और जून सबसे गर्म महीना होता है, सबसे वार्म होता है, तो उसमें कि जो उन्होंने कैप्चर किए थे ब्रिटिशर्स, जो वहां के लोग थे यूरोपियंस, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया रात को, जो कह लीजिए नवाब को तो नहीं पता, बट उसके ऑफिसर्स थे उन्होंने बंद किया, और सुबह 100 से ऊपर लोग थे सारे मर गए, सिर्फ 23 उनमें से लोग जिंदा बच पाए थे, बाकी सफोकेशन से मर गए। तो इसका भी उन्होंने बदला लिया, वो यही कि उन्होंने कंस्पिरेसी की, और जो उनके ऑफिसर्स उनको अपने साथ मिलाया, और एक बैटल हुई जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, जो 23 जून 1757 को हुई थी। और इसमें जो साथ थे उनके, वो देख लीजिए कि मीर जाफर, जो उसका मीर बख्शी हुआ करता, माणिक चंद जो कैलकटा का इंचार्ज था, अमी चंद जो वहां का एक मर्चेंट था, और जगत सेठ जो बंगाल का एक बैंकर हुआ करता था। और उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफर जो है, इस बैटल के बाद मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया गया, क्योंकि हुआ ये था जो जब कंस्पिरेटर्स थे उनके साथ मिलके उसने एक प्लानिंग की कि एक बैटल लड़ी जाएगी, जो कि मुर्शिदाबाद के पास एक जगह प्लासी, वहां पे ये बैटल हुई, जो कि मैंने आपको बताया सिर्फ नाम के लिए एक बैटल थी, क्योंकि जो कंस्पिरेटर्स थे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ थे। जहां पे जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको वापस भेज दिया गया कि हम बैटल लड़ लेंगे, आप आराम कीजिए। और यही हुआ कि नवाब वापस चला गया, और दिखाने के लिए एक बैटल छोटी सी लड़ी गई, और जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि जो बंगाल है वो हार गया, ब्रिटिशर्स ने फिर सारा वो एरिया अपने अंडर लिया। तो जिन जिन लोगों ने उसकी हेल्प की, सबसे उनमें लीडर था जो मीर जाफर था, जो कि नवाब बनना चाहता, तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को नवाब बनाया और सिराजुद्दौला को हटा दिया गया। और जब मीर जाफर नवाब बना वहां पे, क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स ने नवाब बनाया, तो कुछ कंडीशंस पे बनाया गया कि एनुअली ट्रिब्यूट देगा वो, कुछ इस तरह की चीजें कि यहां पे लिखा कि उसके बाद वो नवाब बना, बट वो सिर्फ एक पपेट था उनके हाथ में, एक टाइटल। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि नवाब रहे जाफर, बट वो सारा काम उसके कहने पे करे, बट ऐसा नहीं हो पाया एक्चुअल में। मीर जाफर जो था शुरू में, कि मीर जाफर ने कोशिश की कि जो उन ऑब्लिगेशन है वो पूरी करे, वो क्या थी एनुअल ट्रिब्यूट देना, और वो नहीं दे पाया। उसने उनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा में फ्री ट्रेड राइट्स मिल गए, और जो जमींदारी थी 24 परगना की वो उनको दी गई, और उसके अलावा कि जो ट्रिब्यूट था वो एनुअल बढ़ता गया, कि हर साल जो ट्रिब्यूट देना था वो पे नहीं कर पाया, तो एरियर्स इतने ज्यादा हो गई कि मीर जाफर इसको मैनेज करने में असफल रहा। तो मीर जाफर का सन इन लॉ था मीर कासिम, उसने एक ऑप्शन दी ब्रिटिशर्स को कि जो ऑब्लिगेशन है मैं फुलफिल करूंगा, आप मुझे नवाब बनाइए। 1760 मीर कासिम, जो सन इन लॉ था मीर जाफर का, उसको नवाब बनाया गया, ये सोचकर कि ये सारी कंडीशंस जो ऑब्लिगेशंस हैं हमारी वो फुलफिल करेगा, और जो एनुअल ट्रिब्यूट है वो पे किया करेगा। तो नेक्स्ट मीर कासिम बना, जो कि 4 साल रहा। मीर कासिम ने कुछ एरिया उनको दे दिए बुरदवान के, मिदनापुर और चिट्टगांव के, बट उसको एक चीज पता था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ अपना अपना मकसद देखते हैं, ना वो किसी के वेलफेयर के लिए। तो वो चाहता था कि ब्रिटिशर से
जितना दूर रहेगा अच्छा रहेगा, ताकि बर्शिया उसके कोर्ट में इंटरफियर ना करें। तो उसने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट की, मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर ले आया। तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आया था कि मुंगेर कौन लेके गया, मीर कासिम लेके गया। उसने भी देखा कि जो दस्तक का मिसयूज हो रहा है, तो वो भी इस चीज को लेकर नाराज था, और ब्रिटिशर्स के और उसके बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स ने उस पर अटैक किया, वहां से वो निकल कर चला गया और उसने एक अलायंस बनाया, एक मुगल एम्परर जो था उस टाइम शाह आलम, जो कि उस टाइम अवध के एरिया में था, दूसरा अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और तीसरा ये खुद हो गया। तो तीन लोग थे जो यहां पर मिले, एक शाह आलम, एक शुजाउद्दौला, और तीसरा मीर कासिम खुद। ये तीन लोग थे जिन्होंने एक कन्फेडरेसी बनाई और एक ऑर्गेनाइज किया, और एक बैटल हुई जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर मैप में जरूर देख लीजिएगा, जो यूपी और बिहार का बॉर्डर है वहां पे, बिहार में है यूपी बॉर्डर पे, यहां पे एक बैटल हुई जिसमें हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसको लीड करे थे, उन्होंने हेक्टर मुनरो ने इस तीनों की कन्फेडरेसी को हराया। और ये एक रियल बैटल थी जिसमें पता लगा कि ब्रिटिशर्स वाकई पावरफुल हैं। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या हुआ कि, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला वो आगे देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764, हेक्टर मुनरो ने इनको हराया और मीर जाफर को दोबारा से गद्दी पर बिठाया गया। मीर जाफर को क्यों बिठाया गया, क्योंकि कासिम तो हरा दिया गया, उसको मार दिया गया कि वो कहां गया उसका कोई पता नहीं उसके बाद, और उसकी डेथ होगी। मीर जाफर पहले भी पपट था, दोबारा भी पपट है। जब पहली बार मीर जाफर को बनाया गया था, तो उस टाइम सारा कुछ नवाब अपने हाथ में लेके सब कुछ खुद किया करता था। ब्रिटिशर्स के हाथ में क्या था, सिर्फ वो मोनोपोली उन्होंने ली ट्रेड की, और वो लूट एंड प्लंडर शुरू की। जो एनुअल ट्रिब्यूट आता था वो एक तरह की प्लंडर था बंगाल का, उनके लिए हर साल कुछ पैसा मिल जाता था। बट बक्सर के बाद क्या हुआ, बक्सर एक रियल बैटल थे जिसमें आप जो बिठाया उन्होंने, कि उनको नहीं पता कि बंगाल कैसे चलाना है, इसलिए सिर्फ इसलिए मीर जाफर को बैठाया गया। अदरवाइज जो कंट्रोल है सारा वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मीर जाफर को दे दिया गया, और उसके लिए उसको एनुअली कुछ अमाउंट दी जाती थी। बट जो रेवेन्यू है, जो दीवानी है, वो सारा जो फिस्कल सारे चीजें हैं वो सारे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर रखी, और दो ऑफिसर अपॉइंट किए जो कि उनके लिए सारा रेवेन्यू जनरेट करते, सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। यानी कि यहाँ पे एक तरह की डुअल गवर्नमेंट थी, एक नवाब और एक ब्रिटिश कंपनी। कंपनी फाइनेंस देख रही है, रेवेन्यू देख रही है, बट जो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, वो नवाब की थी। तो बेचारा नवाब फंस गया यहाँ पे, और उसको उसके बदले कुछ पेंशन मिला करती थी वो सिविल जो ड्यूटीज है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के बदले में, करीब 52 लाख मिला करती थी, जो कि बाद में जो सक्सेसर थे उनको मिलती रही, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बंद कर दी थी। क्योंकि आपको याद है सुप्रीम कोर्ट 1773 में बनाया गया, जब हमने पॉलिटी में डिस्कस किया था। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, जो कंपनी है अब उसका नेचर चेंज हो गया। पहले क्या थी वो, उनकी सबसे पहले कंपनी उनकी मर्सी पे हुआ करती थी जो मुगल्स थे, फिर कंपनी बराबर आई, अब सुप्रीम पावर की तरफ जा रही है। अब उसको जो चैलेंज है, चैलेंज करने वाले जो पावर है वो खत्म होती जा रही है। तो कह लीजिए उसका जो फेट आगे से एक पॉलिटिकल पावर की तरफ जा रही है। उसके अलावा पहले सिर्फ एक ट्रेडिंग एंटिटी थी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी यानी कि पॉलिटिकल पावर बनती जा रही थी। तीसरा, जो बंगाल उन्होंने अब कैप्चर कर लिया, जो बंगाल के रिसोर्सेज थे, क्योंकि बंगाल सबसे प्रॉस्परस था, तो वो भी एट द डिस्पोजल ऑफ ब्रिटिशर्स थे, अब उनके कदमों में थे, जैसे चाहे यूज करते, उन्होंने यूज किया। इसीलिए क्वेश्चन पूछती यूपीसी की, बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वॉज एंड आफ्टर बक्सर कह लीजिए प्लासी, इट वॉज ए लूटेड एंड प्लंडर्ड स्टेट। अब इसका
जो मैंने आपको पहले बताया कि रिजल्ट क्या था कि जब यहाँ बंगाल कैप्चर किया, यहाँ से रिसोर्सेज उनके पास है, पैसा है, अब वो अपनी वॉर स्पॉन्सर कर सकते थे, ट्रेड स्पॉन्सर किया, वो उन्होंने किया, अपने राइवल्स को खत्म किया यहाँ से। और जो दूसरा जो मैं कह रहा हूँ डुअल गवर्नमेंट, वो यही था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्होंने अपने अंडर नहीं लिया, खुद देखते थे रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखते था जो नवाब था, तो इसको हम ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि 1772 तक चला। 1765 में क्लाइव ने शुरू किया था और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जब आया उसने इस चीज को खत्म की और बंगाल पे डायरेक्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। और यहां से 1772 से प्रॉपर जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिशर्स का, वो इंडिया में शुरू हुआ। तो ये तो था बंगाल कैप्चर किया उन्होंने। उसके बाद जो दूसरे थे, फिर बचा बंगाल कैप्चर कर लिया, फिर आया मैसूर जो सेकंड इनकी शुरू हुई है। मैसूर आपको मैंने बताया कि विजयनगर एम्पायर थी, उसके आगे नायक सिस्टम था जो उनका, उसमें से एक डायनेस्टी निकली वोडियार डायनेस्टी, उस पर एक सिपाही था वो मिलिट्री जनरल बना जिसको हम हैदर अली के नाम से जानते हैं, और वो उस डायनेस्टी में डिफेक्टो रूलर बना, यानी कि वो सारा काम का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किंग वही था। और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान है जिसने अपने आप को सुल्तान भी कहलवाया, यानी कि वो फुल फ्लेज एक सुल्तान बन चुका था इनकी। और जो नेबरिंग स्टेट्स थी, चाहे वो मराठास थे चाहे वो निजाम था, और तीसरा तो क्वाइट ऑब्वियस ब्रिटिशर्स, इनकी हमेशा टसल रही है। तो टोटल चार बैटल्स हुई हैं, चार वॉर्स हुई हैं जिनको एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने मैसूर को भी अपने अंडर लिया। वो कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766-69 में कर्नाटिक वॉर खत्म हुई है, 64 में बक्सर ने कैप्चर किया, और 4 साल बाद मैसूर से लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया। हुआ ये था कि इनके बीच में जब लड़ाई हुई तो एक तरफ थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपने साथ मिला लिया निजाम को और मराठास को, और एक तरफ हैदर अली। हैदर अली ने डिप्लोमेसी से उसको डिटैच किया निजाम को और मराठास को, और फाइनली ब्रिटिशर्स को हराया। तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन हुई उनके बीच में जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, तो जिसके जिसने एरिया कैप्चर किए थे वापस दे दिए गए, और कि आगे एक दूसरे की हेल्प करेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। बट एक पोर्ट हुआ करता पोर्ट ऑफ माहे जो फ्रेंच के अंडर था, तो वहां से शुरू हुई दूसरी लड़ाई कि उसको जब अटैक किया इंग्लिश ने तो अकॉर्डिंग टू मैसूर हैदर अली कि वो उनकी प्रोटेक्शन में था, अगर उनकी प्रोटेक्शन में तो वो चाहेंगे कि वो उसको सपोर्ट करें, और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस पर अटैक किया तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की। और यहां पे हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ, अब इसने कन्फेडरेसी बनाई बट डिप्लोमेसी से ब्रिटिशर्स ने उसको तोड़ दिया, और यहां पे हैदर अली हार गया। बट इस सेकंड बैटल में, जो सेकंड वॉर चल रही थी, इन बैटल में एक में हैदर अली की डेथ होगी और उसके बाद इस वॉर को कंटिन्यू किया टीपू सुल्तान ने। बट लड़ाई 4 साल चल रही है, 1782 में उसकी डेथ हो गई, तो 2 साल तक टीपू सुल्तान एग्जॉस्ट होने लगा कि उसके लड़ाई से कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा, दूसरा उनके रिसोर्सेज वो भी खत्म हो रहे हैं, तो उसने इसको खत्म कर दिया लड़ाई को एक टीटी से। फिर तीसरी बैटल शुरू हुई 1792 तक चली, यहां पे ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई है। यहां पे प्रॉब्लम थी राजा ऑफ त्रावणकोर की, राजा ऑफ त्रावणकोर और टीपू सुल्तान की टसल थी, बट वो मानते थे ब्रिटिशर्स की वो उनकी प्रोटेक्शन में है, इसलिए जो उस पर अटैक करेगा ब्रिटिशर्स उससे लड़ेंगे। तो यहां पे टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई जिसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया, और एक ट्रीटी साइन हुई जिससे उसने अपनी जो टेरिटरी थी उसका 50% कह लीजिए, आधी टेरिटरी आधा डोमिनियन उसने सरेंडर कर दिया, और वो थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 1792। और इसी तरह जो फोर्थ है यानी कि लास्ट जो 1799 ने सिर्फ 1 साल लिखा क्योंकि इसमें टीपू लड़ते हुए मारा गया और उसका सारा एरिया ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, और जो उसके सपोर्टर्स थे निजाम और मराठा उन तीनों में इसके एरियाज को बांट दिया गया। और जो डायनेस्टी थी वुडियार डायनेस्टी उसका एक डिसेंडेंट था उसको पकड़ के लाकर वहां राजा बना दिया गया, और उसको छोटी सी प्रिंसिपलिटी देके कि मैसूर को उन्होंने जो राजा था उसको रेस्टोर किया, उसको उसकी किंगडम दिलाई, ये इनकी प्ली थी ब्रिटिशर्स की, और बाकी जो डोमिनियन था वो कैप्चर उन्होंने करके अपने अंडर अपने टेरिटरीज में मिला लिया।
तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने ये भी कैप्चर कर लिया। तीसरा उनका टसल शुरू हुआ था मराठास के साथ। मराठास का जो टसल है उसका रीजन था इंटरनल अफेयर्स अपने मराठास के, और दूसरा जो उनकी एम्बिशंस थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स के जो मैंने आपको बताया तीन प्रिंसिपैलिटीज थी, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसको, कि जो तीन प्रेजिडेंसीज तीन उसमें बटा हुआ था ब्रिटिशर्स का। एक इधर कैलकटा में हुआ करते थे, दूसरे मद्रास में हुआ करते थे, और तीसरे इधर बॉम्बे में हुआ करते थे। यहां से नजर आती इसका जेनेसिस की जो कैलकटा था इन्होंने बंगाल कैप्चर किया, जो कैलकटा प्रेसिडेंसी है बंगाल कैप्चर किया, डोमिनियन ये लोग बढ़ा रहे हैं, मैसूर कैप इधर मद्रास वाले बढ़ रहे हैं, मैसूर कैप्चर किया इन्होंने। फिर जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी ये भी चाहती थी कि हम भी एक्सपेंड करें, जैसे ये दोनों एरियाज एक्सपेंड करें, जो दोनों प्रेजिडेंसीज एक्सपेंड कर रही है, तो ये भी मौका ढूंढने लगे। और यहां जो एरिया ये किसके अंडर था, ये मराठास के अंडर हुआ करता था, तो इनको नजर आया कि मराठास के अंदर भी एक है इंसान रघुनाथ राव, जिसको पेशवा बनने का शौक है, जो पेशवा बनना चाहता है। रघुनाथ राव और बॉम्बे गवर्नमेंट इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बदले में कुछ बॉम्बे गवर्नमेंट को मिलेगा और इसको बदले में पेशवा बनाया जाएगा। बट जो कैलकटा गवर्नमेंट थी उसने इस ट्रीटी को नलीफाई कर दिया, और बट रिजल्टेंट ये कि एक लड़ाई हुई जो जिसको फर्स्ट वॉर कहते हैं ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में, और दोनों को एक दूसरे की पावर का पता लग गया और एक ट्रीटी साइन हुई, और जिसके तहत उन्होंने एक दूसरे को अपनी जो टेरिटरी थी वापस दे दी और अगले 20 साल के लिए पीस वहां पर आ गई। तो थोड़ा सा इसमें देखने की आगे क्या होता है कि फर्स्ट वॉर 1775 में हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू हुई, जिसमें रघुनाथ राव आपको नजर आ रहा है, रघुनाथ राव जिसको रघोबे कहते हैं वो पेशवा बनना चाहता है, उसने हेल्प मांगी ब्रिटिशर्स की और उस वजह से लड़ाई। ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन हुई जब वो हार गए ब्रिटिशर्स, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलवाई कि जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया वापस दे दिया, उन्होंने कैप्चर किया वो वापस दे दिया। उसके बाद जो सेकंड इनकी है 1803 में, ये कुछ नहीं, ये इसका रीजन था जो ब्रिटिशर्स की अपनी पॉलिसीज थी वो थी एग्रेसिव पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस उन्होंने शुरू किया था वेल्सले 1798 में, जिसके तहत हर एक किंगडम को हर एक प्रिंस को कि अगर वो साइन करेगा तो उसको अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा और एक ब्रिटिश आर्मी रहेगी जो कि होगी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, बट उसका खर्चा उसको उठाना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स की आर्मी मराठास की कोर्ट में और मराठास उसका खर्चा उठाएंगे। इसका बेनिफिट ब्रिटिशर्स को यह था कि जो अंदर की खबरें थी वो उनको पता लगती रहती थ्रू हिज एम्बेसडर जिसको रेजिडेंट बोलते थे, और दूसरा कि जो आर्मी है वो ब्रिटिशर्स की थी तो वो कंट्रोल कर सकते थे, कभी भी जब उनका दिल करेगा वो उसको कैप्चर कर सकते थे। तो ये बेसिकली चीजें थी यहां पे। तो जब इसको साइन किया गया तो ट्रीटी ऑफ बेसिन उसको कहा गया 1803 में साइन हुई, जो कन्फेडरेसी थी मराठा की, क्योंकि शिवाजी के बाद जो शाहूजी है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर था उसका पेशवाज जो थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने ये सारा संभाला है। और आगे जितने हम नाम सुनते हैं बालाजी वन, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधव राव नारायण राव, माधव नारायण राव, जितने भी नाम है ये वो सारे पेशवाज के यानी प्राइम मिनिस्टर के हैं, इनमें से सुल्तान कोई भी नहीं है। और उसमें पांच अलग अलग लीडर निकले थे जो मैं आपको यहां बता देता हूं कि एक तो था सबसे पहले पेशवा जो पुणे में हुआ करता था, क्योंकि पांच जगह पे टूट गए ये मराठास। दूसरा आपने सुना होगा सिंधिया, सुने होंगे सिंधिया ग्वालियर के। दूसरे होलकर्स, ये इंदौर के हैं। इसी तरह गायकवाड़, ये बड़ौदा के गुजरात, और भोंसले ये नागपुर के।
तो ये पांच हैं, दो ये हैं, दो ये हैं और एक ये, तो ये पांच थे जिनको मराठा कन्फेडरेसी का नाम देते हैं। जब जो पेशवा है इसके साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ बेसिन, इसकी जो टर्म्स थी वो ऐसी थी कि वो बाकियों को ह्यूमिलेटिंग लगी, कि उनको लगा कि हमारी इंसल्ट है ये कि इसने अपने एरियाज, अपने चौथ और सरदेशमुखी, यानी जो टैक्स लगाया करते थे, जो एक तरह का चौथ यानी कि चौथा हिस्सा लिया करते थे सराउंडिंग एरिया से ब्रिटिशर्स, सॉरी मराठास, वो क्लेम करना उन्होंने छोड़ दिया। निजाम ऑफ हैदराबाद था उसके ऊपर सरदेश मुल्क चौथ के जो राइट थे वो छोड़ दिए, कुछ टेरिटरी सरेंडर कर लिए अपने कोर्ट में, ब्रिटिश आर्मी को उन्होंने अलाउ किया, ये सारी चीजें उनको लगा कि ये हमारी इंसल्ट है। तो उस वजह से उन्होंने उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ कुछ बैटल्स हुई और जिनमें वो हार गए, कुछ ट्रीटी साइन हुई। उसका रिजल्ट ये निकला कि हारने के बाद उनको अपने एरिया सरेंडर करने पड़े, और ये जो पहले ह्यूमिलेशन थी ट्रीटी ऑफ बेसिन से, ये उससे बड़ी ह्यूमिलेशन थी कि मराठा उनसे हारे और अपने एरियाज उन्होंने सरेंडर किए, और यहां से ये सारा कॉज बना थर्ड एंग्लो मराठा वार का। उन्होंने अपने आप को दोबारा ऑर्गेनाइज किया कि एक लास्ट एफर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को हराने की और ब्रिटिशर्स को निकालने की। बट 17 में लड़ाई शुरू, 18 में खत्म हो गई एक साल में। रीजन कि जितनी ये पावर थी, चार पांच जो भी हमें नजर आई है कन्फेडरेसीज की, सभी को ब्रिटिशर्स ने हराया अलग अलग बैटल्स में और मराठास को वाइप आउट कर दिया। जो मैसूर में किया वो भी इन्होंने सेम किया यहाँ पे भी, कि जो मराठास थे वो सारे भी पेशवा थे, जो किंग जो शिवाजी का डिसेंडेंट था एक, उसको इन्होंने बिठाया और उसको एक अलग बिठू जगह दे दी गई, और बाकी का एरिया उन्होंने खुद कैप्चर कर लिया। और बाद में वो भी जगह लेके उनको जो कानपुर के पास का एरिया बिठूर जहां पे था वो नाना साहब थे, वो जगह वहां उनको दे के, या कह लीजिए जागीर दे के उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरह उन्होंने मराठा भी कैप्चर कर लिए। फिर आती है पंजाब की बारी। पंजाब में ये था जब रणजीत सिंह था, 1792 में उसने शुरू किया एक्सपेंड करना, फिर 1839 तक उसने पंजाब पूरा एस्टेब्लिश किया, पावरफुल बनाया पंजाब को, एरियाज कैप्चर किए, और 1839 उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद जो उसके बेटे थे वो माइनर थे, उस वजह से ब्रिटिशर्स का इंटरफियरेंस वहां शुरू हो गया, और 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। रिजल्ट क्लियर है, क्योंकि जो पंजाब का जो अपना कोर्ट था, नोबिलिटी थी, वो बटी हुई थी। एक तरफ डोगरास थे, एक तरफ दूसरा ग्रुप था नोबिलिटी का, और जो डोगरास थे गुलाब सिंह डोगरा, गुलाब चंद डोगरा, ये ब्रिटिशर्स की सपोर्ट में थे। तो चार बैटल्स हुई ब्रिटिशर्स की इनके साथ, मुटकी जो आपको नजर आ, मुटकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सोबराव, और चारों बैटल्स में ब्रिटिशर्स जीत गए, और फाइनली एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, जिससे लड़ाई खत्म हुई। इससे उनके ऊपर फाइन लगाया गया पंजाब का करीब 1.5 करोड़ का, जो सारा तो उन्होंने दिया, बट जो नहीं दे पाए उसके बदले उन्होंने कश्मीर के जो एरियाज हैं वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर किए। और क्योंकि गुलाब चंद डोगरा वो बंदा जिसने ट्रीटी साइन करवाई थी, जो उसमें इंस्ट्रूमेंटल था, जिसने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, उसके बदले उसको कश्मीर के एरिया दे दी गई, और यहां से शुरू हुई कश्मीर की रियासत जो 1947 तक हम देखते हैं, जिसमें राजा हरी सिंह का हम नाम सुनते हैं 1947 में। और इसके बाद यहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना एक रेजिडेंट भेजा, सर हेनरी लॉरेंस। फिर 2 साल बाद 1848-49 दूसरी लड़ाई। रीजन था ब्रिटिशर्स यहां पे डोमिनेट करने लगे थे, और उस चीज को देखकर वहां पर उसके अगेंस्ट आवाजें उठने लगी थी। एक मुल्तान का गवर्नर था मूल राज, उसने रिवोल्ट कर दिया, उसका बहाना लेकर ब्रिटिशर्स ने उस पर अटैक किया मुल्तान पर, फिर पंजाब पे, और अगेन वही हुआ कि पंजाब में अब उन्होंने उनको हराने के बाद पंजाब को कैप्चर कर लिया। 1849 पंजाब वॉज कैप्चर्ड। तो यहां हमने देखा कि उन्होंने बंगाल कैप्चर किया, उन्होंने मैसूर का एरिया कैप्चर किया, मराठास के सारे एरियाज कैप्चर किए, और फिर पंजाब कैप्चर किया। अब जो बाकी एरियाज बचे हैं उनको नेक्स्ट करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी पॉलिसी जो थी उनकी वो काम, एक सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी थी और दूसरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी। सब्सिडी अलायंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया लॉर्ड वेलसली ने शुरू की थी, जिसके तहत क्या था, थोड़ा देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा ये।
और मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बना के बता देता हूँ कि क्या था। सब्सिडी अलायंस के तहत ये था कि उनकी एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या कहती है कि जो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है, कि अगर कोई फॉरनर अटैक करेगा तो सीधा इनके ऊपर अटैक होगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज देखी कि एक चीज करते हैं कि अपने प्रोटेक्शन की एक रिंग बनाते हैं, एक फेंस बनाते हैं अपने चारों तरफ, कि जो ब्रिटिशर्स की अगर यहाँ पे स्टेट थी बंगाल, तो उसके सराउंडिंग में जो एरियाज यहाँ अवध है, अवध इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। कैसे कि अवध को सपोर्ट देंगे, सिक्योरिटी देंगे, और जो अटैक होगा तो पहले अवध पे होगा, ना कि बंगाल पे। उसके लिए उन्होंने कंडीशंस दी थी कि जो अवध है इनको मिलिट्री हेल्प यानी आर्मी प्रोवाइड की जाएगी, कि अवध में आर्मी रखी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसका खर्चा उठाएगा अवध। तो सब्सिडी अलायंस ये था कि एक अलायंस करते थे ब्रिटिशर्स उनके साथ। उसके बाद कि जो स्टेट जिसके साथ अलायंस किया जा रहा है उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स की है, बट कैसे कि सिक्योरिटी के लिए आर्मी उनकी रहेगी ब्रिटिशर्स की, उसका खर्चा वो स्टेट उठाएगी, और एक अम्बेसडर जिसको रेजिडेंट बोलते थे उस स्टेट के, इस राजा के कोर्ट में, उसके दरबार में रहता था। एक तरफ से उनको बेनिफिशियल भी लगता था, बट सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि यहां से फायदा तो उनको ब्रिटिश को अपनी प्रोटेक्शन का हो गया कि अब अगर कोई अटैक करेगा सबसे पहले अवध पे अटैक होगा, और यहां पे इनकी अपनी आर्मी है, अगर नुकसान होगा अवध का इनका बाद में होगा। और दूसरा ये, अब बंगाल सॉरी जो ब्रिटिशर्स थे वो इनके इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर कर सकते थे, इनको पता रहता था किसके कोर्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि इनका अपना रेजिडेंट उनके कोर्ट में होता था। और जनरली जो आर्मी रखी जाती है उसके बदले कैश तो नहीं मिलता, वो एक पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता, जिस ना कि वहां से रेवेन्यू जनरेट होता था कि ताकि उससे इस आर्मी की मेंटेनेंस चल सके। ये थी सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी। और दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सभी को पता है कि डलहौजी ने शुरू की थी, क्यों शुरू की थी, उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी। और वो क्या थी कि अगर कोई इंडियन प्रिंसेस है, अगर वो उसकी डेथ होती है और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई जो वारिस है वो उसका अपना नहीं है, अगर उसने गोद लिया तो उसको लीगल हेयर नहीं माना जाएगा, यानी कि वो किसी को गोद नहीं ले सकता, और अगर ऐसा होगा तो उसका जो राजपाट है, उसका जो साम्राज्य है, उसकी जो किंगडम है, उसको ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले लेंगे। और इन दोनों पॉलिसी का यूज करके ब्रिटिशर्स ने काफी सारी स्टेट्स अक्वायर की, जिनमें सब्सिडी अलायंस की बात करें हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा की, और भोंसले, सिंधिया, उदयपुर, जोधपुर, ये सारे किए। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसके तहत उन्होंने सतारा कैप्चर किया। सतारा मैं बात कर रहा हूँ आपकी, जो जहाँ पेशवा को बिठाया गया था बाद में, मराठास की, संबलपुर उड़ीसा में, और बघाट ये हिमाचल में चले जाइए, जयपुर, फिर उदयपुर और झांसी, आपको पता ही है नागपुर, तो ये सारे एरिया। तो इतना कैप्चर के कि इंडिया का जो ये मैप है कुछ ऐसा हो गया। पहले जो हमने मैप बनाया था उसमें ये बंगाल का एरिया हुआ करता था, ये पहले बंगाल के पास हुआ करता था एरिया सारा, ये अवध के पास हुआ करता था एरिया, ये सारे मराठास के एरियाज हैं, ये कर्नाटक के थे, ये पंजाब के थे, बट अब क्या है, और ये दिल्ली जो मुगल्स की थी, ये सारी कैप्चर की उन्होंने, ये भी कैप्चर किया, ये सारा कैप्चर कर लिया, निजाम का पंजाब कैप्चर कर लिया, और ये त्रावणकोर सारा कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने ये सारे एरियाज अपने कंट्रोल में, यानी कि आप देख सकते हैं हम कि कहाँ से शुरू किया उन्होंने, सिर्फ एक कैलकटा यहाँ से शुरू किया, एक यहाँ बॉम्बे से और मद्रास से, और एक्सपेंड करते करते इधर ये एक्सपेंड कर लिया इन्होंने, इस प्रेसिडेंसी ने इन्होंने ये एक्सपेंड कर लिया, और इन्होंने ये सारे एक्सपेंड कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट सारा इंडिया ने कैप्चर कर लिया। ये एरिया क्यों रह गया, कुछ तो उन्होंने अक्वायर किए थे बाय वॉर, लड़ाई से कॉन्कर किए, कुछ उनकी जो पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस उससे अक्वायर किए, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी थी उसका रिजल्ट, उसके जो रिएक्शंस आ रही हैं उससे रिवोल्ट हुआ था, जो कि 1857 में हुआ। इस रिवोल्ट की वजह से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद जो उनकी एनेक्सेशन पॉलिसी है वो
छोड़ दिया कि वो कोई नया एरिया अनेक्स नहीं करेंगे, इसलिए जो मैप इंडिया का यहाँ सिमट कर रहेगा, जो पिंक नजर आ रहा है वो है जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स टेरिटरीज थी, और जो आपको येलो नजर आ रहा है ये वो एरिया जो इंडियन प्रिंसिपल स्टेट्स थी, बट कंट्रोल इन ब्रिटिशर्स का था बट इनडायरेक्ट था। तो ये एरियाज हैं और ये वो हैं जो ब्रिटिश ने कैप्चर किए। तो अब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को कैप्चर के शुरू में आए, पहले कंप्लीटर्स को उन्होंने हटाया, फिर हमने देखा उन्होंने वन बाय वन सारी स्टेट्स जो मैक्सिमम कर सकते उन्होंने किया और उस पर अपना जो इंपीरियलिज्म है अपना साम्राज्य जमाया। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे इन्होंने जब इंडिया में आए तो क्या सिस्टम इन्होंने अपना रेवेन्यू के लिए किया और उसके अलावा उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आए। तो थैंक यू।